बच्चों, अपना प्राय प्राय कोर्स पूरा हो चुका है। आज हम इसमें देख रहे हैं विद्रोही राज जो है अपना चैप्टर है, उसमें जो प्रश्न उत्तर है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे स्थानों में विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्यों आग्रह किया, मतलब ये विद्रोही कौन थे? विद्रोही वे थे जो अपने देश को आजाद कराना चाहते थे और उसके लिए वे देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजी सरकार से विद्रोह कर रहे थे, उन्हें विद्रोही सिपाही कहा गया था। इसके अंतर्गत जब जनविद्रोह, सबसे पहला कारण ये था कि जो सैनिकों ने जो बिगुल बजाया था तो वह चर्बी वाले कारतूस के कारण था, जो हमने आपको बताए थे पहले भी, हमने एक बार बता चुके हैं जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तब। उसमें फिर कारीगर, किसान, सिपाही, ये सभी लोग जो छोटे से छोटा वर्ग भी था, वह सब मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त है, जिसके कारण वे विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। इस तरह से विशाल संसाधनों के स्वामी जो अंग्रेजों का सामना करने के लिए नेतृत्व संगठन में संगठन जो थी वह अत्यधिक आवश्यकता थी। यदि वे एकजुट होंगे तभी हम विद्रोह करने में या अपने आप को आजाद कराने में सफल हो सकते हैं। इसी तरह से दिल्ली पहुंचते ही विद्रोहियों ने वृद्ध मुगल सम्राट को उसको विद्रोह नेतृत्व संभालने के लिए अनुरोध किया। सम्राट भी हिचकिचा रहे थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और कुछ चीजें ऐसी थी जो कि उससे वे अनभिज्ञ थे, नेतृत्व संगठन भी जो था उनका भी अनुभव नहीं था, लेकिन कुछ लोग जैसे असंगठित होने के कारण ये विद्रोह जो है वह सफल नहीं हुआ था। फिर हम देखेंगे साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिससे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। तो अब हमें इसमें ये करना है कि जब साक्ष्य हैं उनके द्वारा हमें ये पता करना है कि विद्रोही जो थे वह योजनाबद्ध या समन्वित ढंग से काम कर रहे थे, कैसे? तो जो संबंधित हमें साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, इतिहासकारों ने कहा भी है कि उस समय जो विद्रोही थे वे योजनाबद्ध तरीके से, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जब संदेश भेजना है तो कैसे भेजना है, जैसे उस समय कहा जाता है कि रोटी, मिर्ची, कमल, इस तरह से जो थे जो एक संकेत के साधन थे, जो कि बड़े तेजी से इन लोग एक जगह से दूसरी जगह जो आसानी से संदेश जो है पहुंचा देते थे। तो इस तरह हम देखेंगे कारतूसों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसके अधिकार विद्रोही जो सिपाही थे वे तत्काल राजधानी की ओर भी प्रस्थान करने लगे थे, जिससे कि मुगल सम्राट जो था वे नेतृत्व संभालने का आग्रह करना और उसे सिद्ध करना, ये सब सारी चीजें जो थी वह एक योजनाबद्ध तरीके से थी। तो विभिन्न छावनियों में मध्य भी संचार के साधन जो विद्यमान थे उनका भी वे उपयोग कर रहे थे, जैसे कि सिपाही थे, कुछ संदेश वाहक थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार लाने के लिए कुशलतापूर्वक कर रहे थे, और ये केवल विद्रोही की योजना ही बनाते थे और इसके विषय में बात करते थे, मतलब उनका जो बात करने का तरीका होता था वह भी इस तरह से होता था कि वे सामने वाला उसे समझ जाए, और जो विद्रोह होते थे वह भी योजना सुनियोजित ढंग से ही होती थी और रात को आयोजित की जाती थी। रात को इसलिए कि जो रेजिमेंट थे, जो सेनानी थे, वे सब एक जगह इकट्ठे होकर उस पर चर्चा करते थे, वार्तालाप करते थे, लेकिन अंग्रेजों को पता ना चले उनके भी कोड वर्ड होते थे जिससे कि वे बात करते थे, और इस तरह से वे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते थे। फिर हम देखेंगे 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने के धार्मिक विश्वासों के हद तक भूमिका थी। 1857 के कारण जो धार्मिक विश्वास जो अहम भूमिका इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मेरठ में अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों के जो चर्बी से लिपटे हुए कारतूस मुंह से खोलने के लिए दिया गया, और जो फिरंगी अधिकारी थे अधिकारियों को कुछ हिंदू और मुसलमान को सैनिक को धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, जैसे कि मुस्लिम है तो उनको दाढ़ी नहीं रखना है, मूंछ नहीं रखना, पंजाबी है तो उनको बाल नहीं रखने दिया, कटार नहीं रखने दिया, इस तरह से उनके धर्म को आहत कर रहे थे, धार्मिक विश्वास को आहत कर रहे थे, जिससे कि कुछ अफवाहें भी उड़ा दी गई थी जिसके कारण जैसे आटे में गाय और सूअर की चर्बी का चूरा मिलाकर दिया जा रहा है, इस तरह से कुछ अफवाहें भी थी जिसके कारण भी धार्मिक विश्वासों को आहत हुआ था। फिर हम देखेंगे विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए निम्न तरीके अपनाए गए थे, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस जो थे, आटे गाय के हड्डियों का चूरा, प्लास्टिक लड़ाई में 100 साल पूरे भारत में वापसी कब्रों से, इस तरह से हिंदू मुसलमान धार्मिक भावनाओं को समान रूप से उत्तेजित करने का कार्य किया गया था। फिर हिंदू और मुसलमान मिलकर मुगल सम्राट बहादुर शाह का आशीर्वाद प्राप्त किया जिससे कि वे विद्रोह को वैधता प्राप्त किया जा सके। फिर विद्रोहियों ने मिलकर शत्रु फिरंगी का सामना किया, जिसमें कि तीन भाषा हिंदी, उर्दू और फारसी की अपील जारी थी। फिर बहादुर शाह के नाम से जारी घोषणा पर जो है मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते थे, जिसमें कि जो भी आह्वान किया जाता था
हिंदू और मुसलमान को किसी तरह से खाई पैदा ना हो इसके लिए लोग अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कोशिशों के बावजूद भी फर्क ये दिखाई देता कि मतलब ऐसे है कि उनकी भावना को ठेस ना पहुंचे इस तरह से वे कार्य करते थे। फिर देखेंगे विद्रोही ने कई संचार माध्यमों का भी प्रयोग किया था, जैसे संदेश वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे और कार्यवाही समरूपता एक योजना के तरीके समन्वय कार्य से किया जा रहा था। फिर अनेक स्थानों पर सिपाही अपनी लाइनों में रात के समय पंचायतें करते थे, जिसमें झांसी की रानी भी है, लक्ष्मीबाई है, कानपुर पेशवा के नाना साहब है। मुस्लिम और हिंदू सिपाही साहस और वीरता का प्रतीक बनाया, जिन लोगों सभी लोगों को एक मंच में लाकर ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ सके। मुस्लिम शहजादों नवाबों की ओर से भी जो भी जारी घोषणा की जाती थी उसमें हिंदू भावना को भी विशेष आदर दिया जाता था, उनकी भावना को सम्मान भी रखा जाता था। फिर सूदखोरों, सौदागरों, साहूकारों, बिना धार्मिक भेदभाव के सभी लोगों से मिलकर इसलिए लूटा ताकि पिछड़े व गरीब लोग उससे बदला ले सके और आम लोगों विद्रोह में शामिल हो सके। फिर जन सामान्य ने यह विश्वास दिलाया कि संपूर्ण भारत में ईसाईकरण करना चाहते हैं, मतलब वे धर्मांतरण कर रहे हैं, जिससे कि लोग धर्म और जातिक भेदभाव को भूलकर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वे खड़े हो गए थे। इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से ये उत्तरों को आप लोग को लिखना है, पढ़ना है और याद भी करना है।